गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर 9 हाउस विल। ठीक है, तो वी ऑल लिव इन ए हाउसेज, हम सारे कहाँ रहते हैं? एक घर में रहते हैं। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव। और हमें हाउस, घर हमारा प्रोटेक्ट करता है, किन से हमारी रक्षा करता है? हीट, गर्मी से, कोल्ड, सर्दी से, रेन, बारिश से, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से एंड थीव्स, मतलब चोरों से। अ हाउस kept us, keeps us safe and comfortable। हाउस में हम सुरक्षित भी रहते हैं और आरामदायक, कहते हैं ना, अपने घर से अच्छी कोई जगह नहीं है। टाइप्स ऑफ हाउसेज, देर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेज, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, ये सब आपको पता है। ठीक है, कच्चे हाउस क्या होते हैं? तो मेड अप ऑफ स्ट्रा, बैम्बू, वुड एंड मड। सच हाउसेज आर वीक हाउसेज एंड डू नॉट लास्ट लॉन्ग, कह रहे हैं कि हाउसेज मजबूत नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा चलते नहीं हैं। दे कैन बी ईजली ब्रोकन बाई विंड एंड रेन, और ये बारिश या तेज हवा से तोड़े जा सकते हैं। हट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस, तो हट जो है एग्जाम्पल है कच्चे हाउस की। पक्का हाउस, अब पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ आयरन, स्टील, टाइल्स, मार्बल्स, स्टोन्स, ब्रिक, सीमेंट एक्स्ट्रा। तो कह रहे हैं जो पक्के हाउस हैं वो किससे बने होते हैं? आयरन से, लोहे से, स्टील, टाइल्स, मार्बल्स, स्टोन्स, ब्रिक्स, सीमेंट एक्सेट्रा से। दीज हाउसेज आर नॉट ईजली अफेक्टेड बाई स्ट्रांग विंड्स, इन हाउसेज को जो है ये जल्दी जो है अफेक्ट नहीं होते हैं, इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तेज हवा का ना बारिश का। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ पक्का हाउसेज लाइक बंगला, फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स। अलग अलग तरह के पक्के हाउस हैं जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम स्पेशल हाउसेज, पीपल लिव इन डिफरेंट हाउसेज डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। तो कह रहे हैं कि जब पीपल, जो लोग होते हैं, अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं, डिपेंड करता है कि वो कैसे क्लाइमेट में रहते हैं, उनके आसपास का मौसम कैसा है। एंड मटेरियल्स अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस, और वहाँ पे जो कैसी पदार्थ उपलब्ध हैं घर बनाने के लिए। एंड अमाउंट ऑफ मनी, साथ साथ उनके पास कितने पैसे हैं। एंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, घर को बनाने के लिए, तो जितने पैसे होंगे उसी हिसाब से वो उतना ही बड़ा घर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है हाउस। सिंगल स्टोरी मतलब जिसमें ऊपर कुछ छत ना हो, ऊपर छत हो खाली, उस पर कोई रहता ना हो, अपना बच्चे खेल सकें। ये है बंगला, बंगले में छत भी होती है, ऊपर नीचे भी बने होते हैं, लेकिन इसमें एक ही परिवार रहता है। डबल स्टोरी हाउस मतलब जैसा नीचे घर बना हो वैसा ही ऊपर भी बना होता है, इसमें मे बी एक ही परिवार के लोग ऊपर नीचे रह सकते हैं, या अलग अलग किराए पे भी दिया जा सके, जैसी इनकी इच्छा हो। ये है फ्लैट्स, फ्लैट्स सारे अलग अलग लोगों के होते हैं, इसमें अलग अलग फ्लैट्स में अलग अलग लोग रहते हैं जिनका एक दूसरे से ना कोई रिलेशन होता है और ना कोई क्षेत्र होता है, ना वो एक जगह के होते हैं और ना एक दूसरे को जानते हैं। अब टेंट्स आर पोर्टेबल हाउस विच कैन बी फिक्स्ड, फोल्डेड एंड मूव टू अदर प्लेसेज इजीली। ये है टेंट्स, कहना है टेंट्स पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब ऐसी चीज़ जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। विच कैन बी फिक्स, फोल्डर एंड मूव टू अदर प्लेसेज ईजली, जिसको एक ही कहीं भी ले जा के फिक्स कर लो, फिर जब जाना हो उनको तय करो, कपड़े के बने होते हैं तो उनको फोल्ड करो और किसी भी जगह ले जाओ। दीज आर मेड अप ऑफ कैनवास एंड यूज पेपर फॉर कैंपिंग। कैनवास होता है मोटा कपड़ा होता है, जब आप जो आर्टिस्ट लोग होते हैं मोटे कपड़े का यूज़ करते हैं, तो आप बड़े हो गए आपको पता चल जाएगा कैनवास क्या है। तो कह रहे हैं कि कैनवास जो ये कैनवास से बना होता है, यूज्ड फॉर कैंपिंग, और इसको पीपल कैंपिंग के लिए यूज़ करते हैं। कैंपिंग होता है जो तरह तरह के कहीं घूमने जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो वहाँ लेके जाते हैं, जब ज़रूरत हुई अपना लगाया, आराम किया, फिर चल दिए। हाउस बोट्स, हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउसेज, दिखाया हुआ है, कश्मीर में बहुत पाए जाते हैं ये हाउस जो होते हैं, ये घर भी होते हैं लेकिन ये बोट नुमा घर होते हैं और ये पानी पर तैरते रहते हैं। फ्लोटिंग हाउस हैं, फाउंड इन लेक्स, इनको झीलों में पाया जाता है। दीज आर बिल्ट ऑन बोट्स एंड आर ए ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, और टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग इनको रेंट पर लेते हैं और अपना एक दो दिन, तीन दिन रहते हैं, घूमते हैं, इसी में खाते पीते हैं। फिर आता है कारवां, कारावैन, कारावैन इज़ ए मूवेबल हाउस, कारावैन जो है मूवेबल हाउस है, जैसे आपको पता है कि वैन है एक प्रकार की, तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। इट इज़ यूज बाई बंजाराज, जिप्सीज, बंजारा लोग, आपको पता है कि पहले गांव में जो लोग बच्चे रहते हैं उनको पता है बंजारे लोग क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं।
तो ये या तो बंजारों के द्वारा यूज की जाती है या सर्कस जो परफॉर्म करते हैं उनके द्वारा। टू ट्रेवल एंड स्टे इन वन एन अदर प्लेस, वो उसी से ट्रेवल करते हैं और उसी में स्टे कर लेते हैं। इट इज़ ए हाउस ऑन व्हील्स, ये ऐसा हाउस है जो पहियों पे बना हुआ है। फिर है इग्लूज, इग्लूज आर डोम शेप्ड हाउस मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो, तो ये किससे बने होते हैं, ये बर्फ के ईंटों से बने होते हैं। दीज हाउसेस कैन बी सीन इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, और ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ बहुत एक्सट्रीम मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा में सर्दी पाई जाए। दीज विच आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, मतलब ऐसे क्षेत्र जो हमेशा बर्फ से ही ढके रहते हैं। और पीपल हु लिव इन इग्लूज आर कॉल्ड इनुइट्स। अब स्टिल्ट हाउस आया, स्टिल्ट हाउस जैसा आपको दिखाया है ये लकड़ी के चार पैरों पे, ये देखो नीचे पानी बह रहा है और उसके ऊपर ये हाउस बना हुआ है। तो स्टिल्ट हाउस आर हाउसेज बिल्ट ऑन पोल्स एंड स्टिल्ट, तो ऐसे हाउस हैं जो पोल्स पे बने होते हैं खंभों पर या स्टिल्ट लकड़ी के उस पे बने होते हैं। दीज हाउस आर बिल्ट इन एरियाज वेयर इट्स रेन ए लॉट, और ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है। द पोल्स कीप द हाउस हाई अबव द ग्राउंड, और ये पोल जो होते हैं घर को नीचे वाली सतह से ऊपर रखते हैं। एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग फ्लडेड, और ये सहायता करते हैं उस घरों के ऐसे घर जो की रक्षा करते हैं ताकि वो जो है बाढ़ में बह न जाए। अक्सर अगर ये घर नीचे होंगे तो क्या होगा, इसमें पानी का बहाव, इनसे पानी जो आएगा इधर से उधर से वो टकराएगा तो ये बह सकते हैं और पानी इनके घरों के अंदर घुस जाएगा। लेकिन ये इसके ऊपर बने हैं तो पानी इनके नीचे नीचे से निकल जाएगा, इनके ऊपर पानी का ज़्यादा बहाव का फ़र्क पड़ेगा नहीं। द रूफ्स आर स्टिल्ट हाउसेज आर स्लैंटिंग, तो ऐसे हाउस की जो घरें हैं ये स्लैंटिंग, स्लैंटिंग मतलब नीचे की तरफ झुकी होती हैं, जो पानी होता है यहाँ से आके नीचे निकल जाए। सो दैट रेन वाटर स्लाइड डाउन ईजिली, ताकि जो बारिश का पानी है वो नीचे ईजिली नीचे स्लाइड कर दें। डिड यू नो वेरी टाल बिल्डिंग दैट सीम्स टू टच द स्काई आर कॉल्ड स्क्राइपर्स, स्काई स्क्रैपर्स, कह रहे हैं बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, आपने देखी हुई जो फ्लैट्स बने या बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इन बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स मतलब ऐसी बिल्डिंग है जो आसमान को छूए। एन आइडियल हाउस, एन आइडियल हाउस शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज, अब आइडियल हाउस में क्या क्या होना चाहिए, ऑल द थिंग्स शुड बी केप्ट एट देयर करेक्ट प्लेस, सारी चीज़ें अपनी सही जगह पे होनी चाहिए। द हाउसेज शुड बी क्लीन ब्रूम्ड एंड मॉब्ड एवरी डे टू कीप इट क्लीन, हाउसेज को रोज साफ करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, मॉपिंग ब्रूम मतलब झाड़ू, मॉप मतलब पोछा, तो इसको साफ रखने के लिए। द फ्लोर ऑफ बाथरूम शुड बी केप्ट ड्राई, जो बाथरूम का फ्लोर है उसको सूखा रखना चाहिए। द हाउसेज शुड हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू थ्रो डर्टी वाटर आउट ऑफ द हाउस, जो गंदा पानी निकलता है उनको फेंकने के लिए प्रॉपर जो है ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो आपके घर का कपड़े का या बाथरूम का जो भी पानी है वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाए। फिफ्थ है सनलाइट किल्स द जम्स, कह रहे हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो जम्स को मारती है। सो देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन इन द हाउस, तो इसलिए घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए विथ प्लेंटी ऑफ डोर्स एंड विंडोज, और इसके लिए क्या होगा, घर में बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियाँ होनी चाहिए, प्लेंटी मतलब भरपूर मात्रा में। डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग एंड कीप अवे फ्लाईज मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट्स, अब इन्होंने कहा कि खिड़की दरवाजे तो होने चाहिए, लेकिन खिड़की दरवाजों पर कैसे दरवाजे होने चाहिए, वायर नेटिंग, वायर नेटिंग मतलब जो पतले पतले तारों से बने हुए थे जालियों वाले दरवाजे होते हैं वो होने चाहिए, ताकि आपके घर को रोशनी तो आए लेकिन जो बाहर के मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े हैं वो अंदर ना आए। फ्लाईज होता है मक्खी, मॉस्किटो मच्छर, अदर इंसेक्ट्स। अ क्लीन हाउस, वी मस्ट कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन बाई स्वीपिंग एंड मॉपिंग रेगुलरली, कहते हैं हमें अपना हाउस साफ रखना चाहिए रोज झाड़ू पोछा लगा के। गार्बेज शुड बी थ्रोन टू कवर डस्टबिन, जो हम कूड़ा, गार्बेज मतलब कूड़ा, जो कूड़ा फेंकते हैं वो जिस डस्टबिन में फेंकें उसके ऊपर ढक्कन लगा होना चाहिए। अब उन्होंने डर्टी हाउस दिखाया, क्लीन हाउस दिखाया। एवरी वन लव्स टू लिव इन ए क्लीन हाउस, वी कैन डेकोरेट अवर हाउस विथ फ्लावर्स बैलून्स बंटिंग एक्सेट्रा टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल, कह रहे हैं कि सब जो है साफ सुथरे घर में रहना चाहते हैं, और वी कैन डेकोरेट, डेकोरेट मतलब सजा सकते हैं अपने घरों को विथ फ्लावर्स, किससे, फूलों से, बैलून गुब्बारों से, बंटिंग झंडियों से, टू मेक लुक मोर ब्यूटीफुल, ताकि ये और सुंदर दिखे। अब हमने जो क्या पढ़ा, समराई का समरी निकालते हैं उसका। ऑल ऑफ नील ए हाउस टू लिव इन, हम सबको घर रहने के लिए चाहिए। द टू टाइप्स ऑफ हाउस, दो हाउसेज आर कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, दो तरह के घर होते हैं, कच्चे हाउस और पक्के हाउस। थर्ड है कच्चा हाउस आर वीक हाउस, पक्का हाउस आर स्ट्रांग हाउस।
टेंट्स, इग्लूज, हाउस बोट, कारावैन एंड स्टिल्ड हाउस, सम स्पेशल हाउस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वी शुड कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन, हम अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। टिल देन हैव ए गुड डे।